स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ लिथियम 6Li एंड 7Li हैव रिस्पेक्टिव अबंडेंसेस ऑफ 7.5% एंड 92.5%. दीज आइसोटोप्स हैव मासेस इतना इतना यूनिट एटॉमिक AMU या सिर्फ U ऐसे लिख देते हैं. AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट. फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम. तो जब इस तरह का आइसोटोप्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे दो हैं, दो से ज़्यादा भी आइसोटोप्स हो सकते हैं, तब हमारा जो एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है M1N1 प्लस M2N2, फिर और ज़्यादा होंगे तो M3N3 ऐसे करते जाएंगे डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. यहाँ पे दो ही है तो यहीं पे लिमिट कर देंगे. अगर तीन होते तो हम लोग ऐसे जाते हैं M3N3 प्लस यहाँ पे N3 आ जाता. ठीक है, तो उसको इस केस में और इन्फॉर्मेशन आपको दी गई होती तो ये सब नहीं करना है अब हमें. और अब हम क्या करेंगे, ये जितनी भी वैल्यूज है इसमें पुट अप कर देंगे और सीधे सीधे अपना M आ जाएगा. तो ये आ गया लिथियम का एटॉमिक मास. एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ किया है, 6.941 यूनिट्स उन्होंने सजेस्ट किया है आंसर. तो ये ए पार्ट हम लोगों ने कर लिया. बी पार्ट में थोड़ा सा अलग बात है. यहां पर आपको अबंडेंसेस पूछी गई हैं. अभी पढ़ते हैं. बोरॉन है स्टेबल आइसोटोप्स, 10.5 वाला बोरॉन, 11.5 वाला बोरॉन, देयर रेस्पेक्टिव मासेस आपको दे दिए गए. और एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन जो है वो ये कैलकुलेट करके निकाला गया होगा. अब आपको अबंडेंसेस बतानी है. अबंडेंस का मतलब ये है कि N1 और N2 दोनों का ज्ञान हमें नहीं है, कितने परसेंट ये वाला है और कितने परसेंट ये वाला है ये निकालना है. जैसे पिछली वाले में 7.5% और 92.5% दिया गया था. अब वो जो दिया गया था वो यहाँ पे पूछा जाएगा आपको. अब आपने देखा कि यार जब दो ही चीजें हैं, सिर्फ दो तरह के ही आइसोटोप हैं, तो ये मिलकर अपने आप में 100% कंट्रीब्यूट कर देंगे मिलकर. तो अगर इसका अबंडेंस एक्स परसेंट है तो इसका अबंडेंस 100 - x% हो जाएगा. बस यही चीज करनी है आपको. x परसेंट जहां लिखा है तो n1 की जगह आप x लिख देना. अब यहां से हमें बस x निकालना है. तो ये आ गया 19.9%. अब इसके बाद अगर हमें करना है तो इधर एक तो हम लोग लिख देंगे. हाँ, स्क्रीन विल कम, जस्ट वेट. ये वाला हो जाएगा, मतलब x परसेंट था तो ये आ गया 19.9%. और ये 100 - x% था तो अब ये आ जाएगा कितना, 100 में से आप 19.9 माइनस करेंगे यानी 20 माइनस करेंगे तो 80.1%. तो ये दोनों आपके आंसर हो गए.